ओके देखो, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकाला, ई की वैल्यू हमने एक रिंग, एक चार्ज रिंग है उसके एक्सिस के ऊपर हमने ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये हमारा पहला टॉपिक था। फिर हमने क्या किया, हमने टॉर्क निकाला कि हमारे पास एक डायपोल है, एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल जो है अगर आपने उसको थीटा एंगल घुमाया इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पी ई साइन थीटा, ये हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या किया, हमने ये डिस्कस किया कि एक स्टेबल और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी वेक्टर एंड ई वेक्टर में एंगल बनेगा जीरो, अनस्टेबल में ई वेक्टर और पी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा 180। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इस टॉपिक में क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वर्ड पोटेंशियल एनर्जी यूज किया जाता है तो हमने पहले भी प्लस वन के अंदर काफ़ी टॉपिक्स किए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस किया। पोटेंशियल एनर्जी कब एक बॉडी में स्टोर होती है, जब हम कोई भी वर्क डन करते हैं अगेंस्ट नेचर। नेचर कहती है कि एक पत्थर ज़मीन पर ही रहना चाहता है, ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन पर रेस्ट पर रहना चाहता है। आप पत्थर को उठा के अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले आते हो तो आप क्या करते हो, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन, फिर आप उसे छोड़ते हो पत्थर को, तो वो कहाँ गिरता है, नीचे, क्योंकि उसमें क्या स्टोर हो चुकी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपने देखा इसमें एनर्जी स्टोर हुई। स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है, आप उसे खींचते हो वो खींचना ही नहीं चाहता, वो एक्सपैंड ही नहीं होना चाहता, पर आप जबरदस्ती खींच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, वर्क डन। तो वर्क डन कर रहे हो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ के एक्स स्क्वायर, जब छोड़ते हो तो स्प्रिंग वापस आ जाता है, तो क्या स्टोर हो जाती है उसमें, आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो स्टोर हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। ऐसे ही किया आपने, आप कोई भी एनर्जी ले लो अगेंस्ट नेचर काम करेंगे, इसमें भी सेम है। डायपोल कहाँ रहना चाहता है, डायपोल ऐसे रेस्ट पे रहना चाहता है कि प्लस अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्टेड बाय प्लस, तो डायपोल तो ऐसे रहना चाहता है, ये इक्विलिब्रियम है। आप इसे डिस्टर्ब कर दो और थोड़ा सा घुमा दो, जब आप घुमा रहे हो आप उसके अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो। नेचर कहती है इसका, इसकी नेचर क्या कहती है, ये ऐसे रहना पसंद करता है इक्विलिब्रियम में, पर आप जब इसे रोटेट करते हो तो आप इस पर क्या लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्सटर्नल टॉर्क, तो आप टॉर्क लगा के इसे घुमा देते हो लेकिन ये घूमना नहीं चाहता, तो आप क्या करते हो, वर्क डन करते हो, इसको घुमाने के लिए वर्क डन करते हो, वो जो वर्क डन करते हो वो स्टोर हो जाता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप रिलीज करते हो तो वापस उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म है कहाँ से आ रही है, हम अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है, इसमें भी यही कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे रोटेट कर देता हूँ बाय एन एंगल ऑफ थीटा, या मान लो थीटा वन पे था थीटा टू पे ले आता हूँ, तो जब मैं रोटेट करूँगा इसके अगेंस्ट नेचर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो जो भी वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वर्क डन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में की थी, क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो अगर आपने थीटा घुमा दिया तो टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन थीटा, ये रहा पी ई साइन थीटा। तो अब क्योंकि थीटा की वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग, थीटा जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू लीनियर मोशन में, वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर जब हम रोटेट करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह क्या टर्म यूज करते हैं, टॉर्क, और डी एक्स की जगह क्या यूज करते हैं, डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा इन रोटेटिंग। तो अब इस केस में क्या करना है, आपको ये पता है कि आपने कितना टॉर्क लगाया, कितना टॉर्क लगाया, पी साइन थीटा, और थीटा डी थीटा उसको रोटेट किया, तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा। पर आप सपोज क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका जो डायपोल है वैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे रहना पसंद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ई वेक्टर के साथ। तो मान लो ऐसा नहीं है, आपका डायपोल मान लो ऐसे है और आप रोटेट करके उसे कहाँ लेके आना चाहते हैं, थीटा टू पे, तो थीटा वन से थीटा टू पे,
या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपका डायपोल इनिशियली ऐसे है, ऐसे है, तो एंगल थीटा वन क्या है, जीरो, और आप उसे डायपोल को रोटेट करके कितने एंगल पे ले आते हैं, थीटा, तो थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। तो यानी कि कहने का मतलब आप उसे मान लो थीटा वन से थीटा टू रोटेट करते हैं, तो आप लिमिट क्या लगाएंगे इसको रोटेशन की, थीटा वन से थीटा टू, साइन थीटा के जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन से ये थीटा टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू, एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट, एक बार थीटा की जगह लोअर लिमिट, तो ये माइनस पी माइनस साइन ब्रैकेट में जाएगा, तो वन वाली टर्म आगे आ जाएगी, टू वाली टर्म पीछे चली जाएगी, तो ये फॉर्मूला, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्लियर है, यही आपकी क्या है इसमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक। अब स्पेशल केस है, अगर आपका डायपोल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका डायपोल ऐसे है, ऐसे खड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने एंगल कितना बनाया, 90, और आपने उसको घुमा दिया और ज़्यादा, कितना घुमा दिया, बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो इनिशियली वो 90 डिग्री पे है और आपने और घुमा दिया थीटा, तो इनिशियल एंगल थीटा वन की जगह 90, थीटा टू की जगह थीटा, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। अब पी इज अ वेक्टर, ई इज अ वेक्टर, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लग सकता है, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ये स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला चलता है, जब इनिशियली डायपोल कितने एंगल पर होता है, 90 पे, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला चलता है। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में बहुत बार आती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत डालते हैं ये डेरिवेशन, और इसका न्यूमेरिकल भी जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, ये आता है, तो आपको बहुत बार बोर्ड्स के अंदर ये दिखेगी, दिखेगा टॉपिक। ठीक है, तो जैसे ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, इसमें ना कुछ केसेस गिवन है बुक्स के अंदर, आप देखेंगे तो आप इसमें ये देखेंगे कि जैसे ये पहला डायग्राम है जिसमें पी वेक्टर, ये डायपोल है, एंड पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ई वेक्टर कहाँ पर है, राइट, तो एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 90, तो इसमें टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन 90 मैक्सिमम, पहला केस है। इसके अंदर पी वेक्टर कैसे है, माइनस से प्लस, ई वेक्टर राइट, तो पी में ई में एंगल कितना है, 30, तो टॉर्क क्या लगेगा, पी ई साइन 30, ये भी क्लियर है यहाँ तक। तीसरे केस में पी वेक्टर राइट है, ई वेक्टर राइट है, एंगल बिटवीन पी एंड ई इज 0, तो टॉर्क क्या है, 0, तो ऐसे केस पूछ सकता है, आपको तीन डायग्राम दे सकता है, उन डायग्राम की हेल्प से पूछ सकता है कि बताओ इसमें टॉर्क क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक। ये न्यूमेरिकल पढ़ें प्लीज। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, रोटेट करना है, किसे रोटेट करना है, डायपोल को, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है, पी, तो पी की वैल्यू ये रही, फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने आज भी क्लास में डिस्कस किया और लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी और ई में एंगल क्या बनता है, 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पी और ई में एंगल क्या होता है, 180, तो फिर ठीक, तो स्टेबल में एंगल 0 पी और ई में, अनस्टेबल में एंगल 180, तो थीटा 1 क्या माना जाएगा, 0, थीटा 2 क्या माना जाएगा, 180, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पी क्वेश्चन में गिवन है, ई क्वेश्चन में गिवन है, थीटा 1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह 180, तो cos 180 मैथ्स में क्या होता है, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क डन के अंदर थीटा 1 थीटा 2 पुट करने हैं, पहला एंगल इनिशियल होगा, थीटा 2 फाइनल एंगल होगा, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को करें प्लीज।
एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम क्यू वन माइनस क्यू गिवन है सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर. तो क्या गिवन है 2a. तो दो चार्जेस में डायपोल में डिस्टेंस क्या होता है 2a. द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ ई गिवन है वर्क डन विच एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू. ऑब्वियसली डायपोल घुमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल एजेंट बोला जाता है. तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 0. तो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 0 का मतलब थीटा 1 इज 0, थीटा 2 इज 180. पी पता है, ई पता है. पी कैसे पता है, पी निकालना पड़ेगा क्यू इंटू 2a, क्योंकि आपको q पता है, आपको 2a पता है, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा p आ जाएगा. p आ गया, e पता है, थीटा 1 पता है, थीटा 2 पता है, आंसर. तो मेथड सबको समझ में आया कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. बहुत आता है 3 नंबर में ये, या डेरिवेशन आती है या ये फॉर्मूला आता है. ठीक है, एक रिजल्ट डायपोल का, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. एज इट इज इट कहोगे टॉपिक आए, नहीं टॉपिक नहीं आएगा, किसी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए तो अलग बात है. क्या कि अगर सपोज करो जितने भी हमने डायपोल लिए वो डायपोल्स को हमने कहाँ प्लेस किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू हमेशा सेम रही. लेकिन अगर डायपोल को कहाँ रखा जाए इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो, चेंज हो. तो जैसे इस केस में, इस केस में राइट साइड अगर हम जाएँ तो ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज, राइट की तरफ इंक्रीज. और ये मेरा डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. तो मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ई वन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई टू है, क्योंकि चेंजिंग है तो ई कैसे ले, यूनिफॉर्म होता तो ई एंड ई होता, नॉन यूनिफॉर्म है तो ई वन ई टू डिफरेंट लेंगे. तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इन टू ई टू, ठीक है. और डायरेक्शन, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कहाँ लगेगी फोर्स, टूवर्ड्स राइट, सही है. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, क्यू इन टू ई वन. लेकिन डायरेक्शन कहाँ लगेगी फोर्स की, इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो ये फोर्स कहाँ लगेगी, लेफ्ट. समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव ऑपोजिट करेगा. तो अब मुझे पता है कि इस तरफ ई इंक्रीज हो रहा है, तो बोलो ई टू बढ़ा है कि ई वन बढ़ा है, ई टू बढ़ा है और ई वन छोटा है. इसका मतलब क्यू ई टू की वैल्यू बड़ी है और क्यू ई वन की वैल्यू छोटी है. तो ओवरऑल डायपोल पे नेट फोर्स कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स राइट, सॉरी मेरे पे लग गई, मेरे पे लगेगी, तो टुवर्ड्स राइट. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो क्योंकि ये फोर्स बड़ी और ये फोर्स छोटी है, कोई डाउट इसमें, बोलो. वो गिवन है राइट, हाँ. इंक्रीज भी इसी तरफ है और ई की डायरेक्शन भी इस तरफ है, हाँ. वो तो केस मैंने बनाया है, आप उल्टा लेना चाहे उल्टा कर लो. अगर आप उल्टा करते हो, ई इस तरफ इंक्रीज करना चाहते हो तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, फिर डायपोल इधर मूव करेगा, ठीक है. वो तो मैंने अपने मन से केस बनाया, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है. तो मैं अपने मन से सोच रहा था कि इस तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे करना है, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है इसमें खत्म है, ये लास्ट पेज था इसका, शीट का. ओके, ये शीट नंबर कौन सी थी, 8th, 9th. अच्छा 8th और 9th सेम है. एक्चुअल में 9th शीट मिसिंग है, जरूरत भी नहीं है आपको उसमें ऐड करने की, क्योंकि 9th शीट में लास्ट टाइम मैं बोला था ना, ये एक न्यूमेरिकल होनी चाहिए शीट में, देखो होना चाहिए, जो मैं क्लास में कल करवा रहा था, ये उसकी शीट मिस हो गई. इट्स ओके, हमने कर लिया. ये इंक्लाइन प्लेन पे एक चार्ज है, लास्ट टाइम कितने टाइम वो नीचे आएगा, ये वही क्वेश्चन है, तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं है ये, और इसकी ज़रूरत नहीं है आपको 9th शीट की, ठीक है. 9th के बाद है 10th. 10th देखो, 10th शीट में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन फोर्स का क्वेश्चन है. एक बार प्लीज़ क्वेश्चन रीड करें, या एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, सोचें कैसे करेंगे. टू चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाई टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ कितनी, एल. तो दो स्ट्रिंग्स हैं और लेंथ कितनी है, एल, ठीक. आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट. तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो डी, जो बॉब्स हैं वो डी डिस्टेंस अपार्ट हैं. डी डिस्टेंस क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज है.
और दोनों के ऊपर चार्ज है तो क्यू एंड क्यू विल रिपेल ईच अदर और वो डी डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है। तो ऐसा बनेगा पेंडुलम आपका, दो स्ट्रिंग ऐसे हो जाएंगे। आगे अब वो कह रहा है कि डी तो काफ़ी छोटा है एल्स के मुकाबले, लेंथ बड़ी है स्ट्रिंग की और डी छोटा है। तो द चार्ज बींग लीक्ड फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट, कह रहा है जो चार्ज है ना बॉब के अंदर वो लीक हो गया। कैसे लीक हुआ उसके मत जाना कि हवा में चार्ज उड़ा, हमें मतलब नहीं है, चार्ज लीक हो गया, चार्ज कम होता गया। तो इनिशियली दो बॉब्स में डिस्टेंस कितना है डी, अब चार्ज कम होता जा रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती जा रही है, ये दोनों बॉब्स पास आते जा रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो कॉन्स्टेंट रेट से क्यों निकलता जा रहा है, तो ये बॉब्स दूर थे ये बॉब्स पास आ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। आगे एज अ रिजल्ट स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर, चार्ज कम होगा तो स्फीयर पास आएंगे विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो दोनों स्फीयर पास आ रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, ठीक क्लियर है यहाँ तक। आगे देन वी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स कैसे आया, एक्स ऐसे आया कि आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि दो जो जो बॉब्स हैं उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना गिवन है, डी गिवन है, राइट। तो आप ये सोचें कि इनिशियली दो बॉब्स के बीच में ये जो डिस्टेंस था वो कितना गिवन था, वो डी गिवन था। थोड़ी देर में क्या हुआ, थोड़ी देर में ये चार्ज क्योंकि लीक हो रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया एक्स, एक्स और वेलोसिटी बॉब की कितनी है वी, वी। तो अब वो कह रहा है कि जो वी है और जो एक्स है वो आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है ये आपको बताना है। तो पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, मतलब देखो ना, एक तो इसमें स्ट्रिंग की प्रॉब्लम, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, स्ट्रिंग ऐसी होती है ना टी कॉस थीटा, फिर इसमें स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम के साथ फोर्सेस बनानी है, फिर इसमें चार्ज को लीक भी करवाना है, बड़ा इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन है, हर इंस्टेंट पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो चार्ज लीक भी हो रहा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज भी हो रही है, फिर उसके बाद वो पास आ रहा है, उसकी वेलोसिटी भी है, तो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हैं। तो एनसीईआरटी में नहीं आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंस का नहीं है, नीट का है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन नीट के ऐसे नहीं है, ये ना तो नीट ऐसा आता है, नीट एकदम नीट है, बिल्कुल सही आता है और बहुत ही क्लियर उनके क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर वो बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी को टच करते हुए जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी ऐसा शॉर्ट लग जाता है जिसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन डालते हैं जिसमें कैलकुलस यूज हो रहा है। तो मेंस वाले भी अलर्ट रहे, मेंस में आया नहीं है पर क्या पता यार कभी मेंस में डाल ही दे, ऐसा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस नीट नीट मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। तो हम देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। देखो तो इसके अंदर सपोज करो किसी भी इंस्टेंट पे इन बॉब्स की दूरी कितनी है x, d तो गई ना, d तो इनिशियल थी, d पे तो काम होना ही नहीं क्योंकि जब तक वो d पे हैं तब तक बॉब्स मूव ही नहीं करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो डिस्टेंस x हो जाएगा। तो x डिस्टेंस पे यहाँ पर सिचुएशन है, ये x बाई टू है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई फोर, ये भी क्लियर है यहाँ तक। तो ये t टेंशन है, इसमें t के दो कॉम्पोनेंट्स है थीटा एंड थीटा, तो टी का पहला कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा एम जी और फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ ए, ये तो स्टैंडर्ड है सबको पता ही है, ठीक है यहाँ तक। तो ये भी सबको पता है कि चार्ज धीरे 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 लीक हो रहा होगा कॉन्स्टेंट रेट से, तो ऐसे केस में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, करते आए हैं हम ऐसे। फिर इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, तो एफ ई की वैल्यू पुट कर ली उसने रादर 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। इस और इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा में चार्ज आ गया, एक्स आ गया, पर कहीं वेलोसिटी नज़र नहीं आ रही, पर हाँ प्लस वन जिन्होंने जरा ध्यान से देखी हुई उनको पता है जहाँ पर एक्स आता है उसको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी हमारे पास क्या आएगा वी आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में क्या होगी, दिस क्योंकि ये थीटा है राइट एंगल है, तो एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो दिस अपॉन दिस, तो टेन थीटा क्लियर है, एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, कोई डाउट इसमें, ये भी केस क्लियर है यहाँ तक। तो ये इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन में आपको क्या गिवन है कि डी बहुत छोटा है एल से, क्वेश्चन में गिवन है, कोई रीजन होगा ना तभी गिवन है।
तो अगर डी बहुत छोटा है एल से, तो एक्स तो और भी छोटा था डी से, डी से छोटा एक्स है, तो यानी कि एल बहुत बड़ा है एक्स से। भाई डी से भी तो, डी से तो बड़ा है ही है, एक्स से तो पक्का ही बड़ा है, क्योंकि डी से छोटा होता हुआ एक्स हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर डी बहुत बड़ा है एक्स से, तो मुझे ये समझ में आता है कि डिनोमिनेटर में एल बहुत बड़ा है एक्स से, तो डिनोमिनेटर में से ये टर्म कैन बी निगलेक्टेड। निगलेक्ट करेंगे एल स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, एल आ जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? निगलेक्ट करके ये आ गया। अब तक वेलोसिटी नहीं आई, चार्ज आ गया, एक्स आ गया। देखो एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। तो देखा जाए तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्या नहीं कांस्टेंट? चार्ज कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने अंदर से चार्ज को क्या करती जा रही है, लीक लूज करती जा रही है। तो टाइम के साथ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो चार्ज वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, ठीक है यहां तक? तो इस केस में चार्ज की वैल्यू और एक्स वेरिएबल है, एक काम करो, 2 को इधर लेके जाएंगे, रेस टू पावर 3/2 हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है। अब चार्ज और एक्स दो वेरिएबल रह गए, इनको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, लेफ्ट में भी ऐसा कर लो चाहे तो, क्यू इज सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2, दोनों तरफ क्या लगा लो, डी बाई डी टी, और इस तरफ भी क्या लगा लो, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। तो ये क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ये देखो किया हुआ है, डी क्यू बाई डी टी, एक्स की पावर कितनी है 3/2, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 3/2 इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये टर्म आ गई, और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वी, और डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज विच इज अ कॉन्स्टेंट। तो क्वेश्चन के अंदर डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, अब क्या बच गया आपके पास, ये दो टर्म बच गई, तो ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि कॉन्स्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू पावर हाफ, एक्स ऊपर चला गया तो रेस टू पावर माइनस हाफ आंसर। तो पॉइंट समझ में आया कि कैसे मार्किंग होगी, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको बाकी सब कॉन्स्टेंट को छोड़ देना है, क्यू और एक्स का रिलेशन निकालना है। पर आइडिया क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ओके। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक डायपोल है जिसको स्लाइटली हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया। कैसे? सपोज करो एक डायपोल ये पड़ा हुआ है यहां पे, ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मैंने हल्का सा इसे डिस्प्लेस किया ऐसे और छोड़ दिया, तो इसमें टॉर्क डेवलप होगा, एनर्जी डेवलप होगी जो इसको वापस इस पोजीशन पे लेके आएगी। पर इसके अंदर मान लो इन दो चार्जेस का मास भी है, मास है तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया भी है, तो मान लो ये एनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाया, एनर्शिया ऑफ मोशन है इसमें, तो थोड़ा सा आगे चला गया, तो मान लो ये ऐसे चला गया, फिर आएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही, तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो अगर आप इसको ऊपर मूव करवाओगे तो नीचे आएगा, और नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, तो अल्टीमेटली ये डायपोल ऐसे मूव करेगा। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो मोशन है ये एंगुलर SHM में, और एंगुलर SHM में, और इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू है, ये आपको प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन क्लियर है, वेयर I इज मोमेंट ऑफ एनर्शिया एंड L इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो जो डायपोल इसमें मैंने लिया Q एंड माइनस Q, नॉर्मली Q और माइनस Q में डिस्टेंस क्या लिया जाता है, 2a, पर मैंने क्या लिया यहाँ पर L, तो 2a की जगह मैंने L ले लिया। वो इसलिए कि अगर मेरे को डायपोल मोमेंट निकालना हो तो Q इंटू 2a की जगह क्या पुट करूंगा, Q इंटू L। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे मैंने ये बताया भी था कि SHM दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर, बस x या y एक्सिस में चल रहा है, एक होता है जिसमें रोटेशनल मोशन है, रोटेट करती हैं बॉडीज टू एंड फ्रो। तो जो लीनियर मोशन में SHM या पीरियोडिक मोशन होते हैं उसको लीनियर SHM बोलते हैं, और जो घूमती हैं बॉडीज रोटेट करती हैं उसको एंगुलर SHM बोलते हैं, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है।
तो आपने मेन पॉइंट इसमें क्या देखना है, आपने इसमें यह देखना है कि अगर मान लो आपका जो कोई भी मोशन लीनियर SHM में है तो उसकी SHM की जो इक्वेशन है वो क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोई भी बॉडी एंड a इज द लीनियर एक्सेलरेशन। मैंने बताया भी था जैसे पेंडुलम है, एक पेंडुलम की वो अगर आप y डिस्प्लेस करते हो, इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो इसका वेट mg है, तो mg cos थीटा mg sin थीटा, कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आएगी, माइनस mg sin थीटा। एंगल क्योंकि SHM में छोटे लिए जाते हैं तो sin थीटा को थीटा ले लिया जाएगा और फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एंगल क्या होगा, आर्क बाय रेडियस y बाय l, तो y बाय l पुट करेंगे, इसको स्टैंडर्ड SHM की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके क्या आएगा ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t, यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने बताया था अगर एंगुलर SHM से किया जाए तो एंगुलर SHM में लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स नहीं ली जाती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ली जाती हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी ली जाती है y की जगह थीटा, तो एक्सेलरेशन a नहीं ली जाती उसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन ली जाती है, तो अगर लीनियर एक्सेलरेशन a है तो एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट y है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो ये एंगुलर SHM की इक्वेशन है। तो एंगुलर SHM में हम रिस्टोरिंग फोर्स नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क होगा क्या, सेम क्वेश्चन है, mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रिस्टोरिंग टॉर्क है, और टॉर्क होता क्या है, i टाइम्स अल्फा, i फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो अल्फा i पॉइंट मास का क्या होता है ml स्क्वायर, तो ये पुट करते हुए अल्फा, इसको एंगुलर SHM की इक्वेशन से कंपेयर करते हुए ओमेगा से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। सिर्फ समझाने के लिए करना है, आपको करना नहीं है, आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे हम करते हैं। तो ये टॉपिक सिर्फ यही बता रहा है कि एंगुलर SHM को प्रूव करने के लिए हम रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। अब क्योंकि मेरा जो डायपोल है वो रोटेट कर रहा है, रोटेट, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है? तो इसमें वापस अगर क्वेश्चन पे आ जाएं, और मैंने अगर इसको डायपोल को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, माइनस पी ई साइन थीटा। रिस्टोरिंग क्यों, क्योंकि मैंने इसको थीटा घुमाया, तो इतना टॉर्क इसमें खुद डेवलप हो जाएगा जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके आएगा। टॉर्क का होता क्या है, आई इंटू एल्फा, और एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा की जगह थीटा, एंगल हमेशा छोटे होते हैं SHM में। अब P क्या होता है, Q इंटू यहाँ पर L, 2A की जगह क्या यूज़ करेंगे, L, तो P इंटू L, I, तो ये आपके पास ये टर्म आ गई है ना, आपके पास ये टर्म आ गई, इसमें I की अल्फा की जो वैल्यू है इसके अंदर इतना ही है। अच्छा, I नीचे आ गया, तो अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर SHM के साथ कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो वहाँ से टाइम पीरियड आ गया। तो ये क्वेश्चन भी कह सकते हो कि डायपोल के लेके आपको बहुत बुक्स में, बहुत क्वेश्चन में मिलेगा, पेपर में मिलेगा आपको, तो आपको समझ में आ गया कि एंगुलर SHM एक आध क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो बीच में आ जाता है प्लस वन को लेकर एक आध क्वेश्चन, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपकी शीट नंबर कौन सी थी, 10, CBSE के एग्ज़ाम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखो आने को, तो देखो कुछ भी आ जाएगा, तो मतलब कि अगर आप मेरे से पूछो तो क्रॉस कर लो, सर ने बुलाएगा नहीं, क्रॉस कर लो, तो भाई मेरे पे विश्वास नहीं करना आपने, ठीक। हाँ, लेकिन ये पूछ सकते हो सर क्या ये 5 साल या 10 साल में आया है, नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से नहीं आया CBSE में, क्या ये इस हमारी बारी में आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पास्ट में नहीं आया, ठीक है। HC वर्मा का क्वेश्चन है वैसे, ये मैंने वहाँ से लिए, ठीक। दूसरी चीज़, NCERT में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे Q1, Q2, बताओ तीसरा चार्ज कहाँ पुट करें कि वो इक्विलिब्रियम में है, चार चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 स्क्वायर के साइड्स में है, नेट फोर्स Q1 पे निकाल दो, जैसे पहले लेक्चर में किया था हमने, इतना की रहता है, हाँ जैसे टेस्ट आया था वो NCERT है, ठीक। हाँ, टेस्ट से याद आया, नेक्स्ट टाइम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्ट टेस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बना के दूंगा क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ खत्म करेंगे, संडे को लॉगिन, कल मैं आपको लॉगिन आईडी भी दे दूंगा आपके टेस्ट के, तो संडे को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फोर्स का, ए चैप्टर का, बस बेसिक होगा, कोई टेंशन नहीं है, जो काम किया उसको रिवाइज करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन ही होगा,
यहाँ पे नहीं होगा, घर पे ही होगा, अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप पे आपने 45 या 50 मिनट का होगा वो ट्राई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगली बार सब्जेक्टिव टाइमिंग बता दूंगा सैटरडे को, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, फिर इतनी देर में वो आपका टेस्ट चेक करके दे दूंगा नेक्स्ट टाइम, तो इतने में फिर वो टेस्ट दूंगा एक और ले लूंगा, तो चलता रहेगा ये तो प्रोग्राम, हर हफ्ते तो चलता ही रहेगा, साथ साथ तैयारी हो जाएगी हमारी। क्योंकि प्रॉब्लम है ना, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, टेस्ट लेना क्यों ज़रूरी है, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ आपको टेस्ट लेना क्यों ज़रूरी है, और आप से क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिलेट कर पाए तो मतलब ठीक है, आपने आपने पढ़ाई की हुई है, आप नहीं कर पाए तो आप तो ज़रूरत है आपको। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर -Q -Q 2Q ये कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री के हिसाब से, ठीक है? इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालो। डायपोल मोमेंट क्या होता है? पी। तो माइनस और प्लस के कॉम्बिनेशन को डायपोल बोलते हैं, पर मुझे यहाँ माइनस प्लस दिख नहीं रहा, मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, रादर 2Q दिख रहा है। तो एक काम करो, इस 2Q को आप ऐसे 2Q मत रीड करो, आप रीड करो क्यू एंड क्यू, वो इसलिए ताकि क्यू एंड माइनस क्यू का एक डायपोल हो गया एंड क्यू एंड माइनस क्यू का दूसरा डायपोल हो गया। तो एक डायपोल क्यू एंड माइनस क्यू, दूसरा डायपोल क्यू एंड माइनस क्यू, बन गया डायपोल। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक माइनस क्यू क्यू यहां डायपोल मोमेंट देगा, एक डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से क्यू यहां डायपोल मोमेंट देगा। तो एक पी एंड पी दोनों के बीच में एंगल कितना 60, तो नेट, क्योंकि P इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दो P's आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ऐसे केस में नेट P की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ P square 2PP cos of 60, cos 60 क्या है हाफ, तो हाफ 2 कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ आंसर, और P की जगह एंड में लिख देंगे Q into A, क्यों? क्योंकि Q एंड माइनस क्यू में डिस्टेंस 2A नहीं है, क्यू और माइनस क्यू में डिस्टेंस A है। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्लियर है? कई लोग याद करते हैं P की जगह Q into 2A, देखते ही नहीं, और पूछने वाला भी जान के देता भी A ही है, उसको पता है कि बच्चे का 2A याद करके आया वो गलत कर देगा, और मैंने यहाँ पर A दिया हुआ है, कभी A देगा कभी L देगा, कुछ भी ऐसा देगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे ब्रेक करके सोचना है आपने, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ें और मुझे बताएं क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ है? इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है और कैसे किया है मैं रिलेट करके, आप रिलेट देखो, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं हम सबसे पहले ना रिलेट करते हैं कि कौन सी थ्योरी के टॉपिक से वो मैच कर रहा है। तो आपको मैचिंग अगर सही हो रही है और बिल्कुल करेक्टर्स मैच कर पा रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो सपोज करो ये आपका नेगेटिव चार्ज है और सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है यहां तक? ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है, अ पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिन सच दैट ओ पी मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई थ्री विद एक्स एक्सिस, तो ये ओ है, ये पी है, ओरिजिन और पी, ओरिजिन और पी में कोई पी पॉइंट है जिसने एंगल एक्स के साथ क्या बनाया पाई बाई थ्री। आगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप रिलेट करो तो हमने किया हुआ है वैसे इसमें,
हमने कहा किया है, देखो हमने यहां किया है, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक किया था, एक एक्सियल का, एक इक्वेटोरियल का और एक एट एनी पॉइंट वाला। तो ये ना एनी पॉइंट का क्वेश्चन बन गया। तो एनी पॉइंट में उसने कहा ये पी वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये ओरिजिन लिया, इस ओरिजिन से कितना एंगल पाई बाय 3 एंगल दूर कोई पॉइंट पी लिया, तो बन रहा है ना कोई एनी पॉइंट वाला काम कि आर डिस्टेंस पे हम वैल्यू निकाला करते थे इसमें। तो कैसे निकालते थे, हम ऐसे निकालते थे, यहां पर क्या लेते थे ई एक्सियल, यहां पर क्या लेते थे ई इक्वेटोरियल, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट लेते थे जो ऐसा कुछ आता था नेट रिजल्टेंट, और नेट रिजल्टेंट एंगल क्या बनाता था अल्फा, और ये क्या होता था थीटा। याद आ रहा है? तो एग्जैक्टली बस उसने ये नहीं कहा अपने क्वेश्चन में कि एनी पॉइंट वाले डेरिवेशन को आप रेफर करो, उसने बस वो डेरिवेशन को न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लिया। तो वापस चलते हैं इसमें, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर डायपोल है पाई बाय 3 पे पी पॉइंट है, और जहां पर पॉइंट पी है वहां पर मैंने क्या बताया कि ये रहा, एक टर्म क्या थी ई एक्सियल ऐसे था ना, और ये टर्म क्या थी ई इक्वेटोरियल, इनका रिजल्टेंट ई वेक्टर। तो आप ये सोच रहे होंगे मैंने ई वेक्टर टेढ़ा क्यों ड्रॉ किया, आपको समझ में आ रहा होगा ई वेक्टर ऐसा क्यों है, क्योंकि ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल ने दिखाया, नेट ई दिखा दिया, क्लियर है। और क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि नेट ई इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, तो एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है थीटा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, रिलेट कर पा रहे हो इसे? तो अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि हमने जब ये टॉपिक किया था तो ये मैंने कहा था ना ई एक्सियल है, ई एक्सियल है, मैंने कहा था ये ई इक्वेटोरियल है, तो मैंने ये कहा था कि ये एंगल क्या बनता है अल्फा, अल्फा में और इस एंगल में रिलेशन था, क्या रिलेशन था, टैन अल्फा इज हाफ इन टू टैन ऑफ ये जो एंगल है पाई बाई थ्री। अब थीटा नहीं बोलना चाह रहा, थीटा बोल दूंगा तो यार ये एंगल उसे थीटा जान के कंफ्यूज करने के लिए ये एंगल थीटा बोल दिया, तो जबकि मुझे सिर्फ ये वाला एंगल लेना होता है ना, वो जान के होता था कि लोगों थीटा याद करें और थीटा पुट कर दें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में टैन ऑफ अल्फा जो बनेगा इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो भी टैन अल्फा बना, जैसे मैंने बताया ना ये ई एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, और ये अल्फा तो ये भी अल्फा बाय वर्टिकली ऑपोजिट, तो इसलिए वो डायग्राम ऊपर का मैंने ड्रॉ नहीं किया, नीचे का ड्रॉ कर दिया अल्फा। तो इस केस में ये अल्फा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाफ इंटू टेन ऑफ पाई बाई थ्री, क्लियर है। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपको तो इसमें क्या निकालना है थीटा। अब आपको एक ट्राइंगल में पता है एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री में क्या ऐड कर दिया अल्फा, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? Yes, सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन? Yes, okay. ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल है, वैसे आप ये पूछोगे ये आएगा ये नहीं आएगा, मतलब पेपर में क्या है क्या नहीं, तो जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आया तो है नहीं, पर आ जाएगा, मुझे पता नहीं है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वैसे सब्जेक्टिव में एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे डीसी पांडे के अंदर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, डाउट लेके आते हैं लोग ना, तो मैंने पहले बता दिया। ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन है कि ये एक डायपोल है, सिर्फ क्वेश्चन समझ लो, ट्राई अपने करना है, ये एक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट पी, दूसरा डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल मोमेंट पी, तीसरा प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल मोमेंट पी, इन तीनों डायपोल्स के लिए ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट पर नेट ई बताओ इन तीनों डायपोल्स की वजह से क्या लगेगा, नेट ई।
तो मैं बता दूं कि सीबीएसई वालों ने पेपर मार्च में लेने हैं, पूरा सिलेबस आना है। तो अगर पुराना फॉर्मेट फॉलो कर दिया और एक मेन उन्होंने जनवरी और फेब में रख दिया, देखो ये पक्का नहीं है उनका, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। तो फिर आप ये लगाओ अप्रैल गया हमारा, और अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चलो 8 महीने लगा लो। 8 महीने के अंदर आपको टोटल मतलब 90% काम पैक करना है। हाँ सच्चाई है और क्या है। तो आपने अगर बुक नहीं परचेज की तो किसी को ब्लेम ना करना कि मेरी तैयारी नहीं है, और क्यों नहीं है वो आपकी अपनी गलती है। या देखो जो तो एनसीईआरटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी, वो डीसी ना लें, वो सिंपली एसएल अरोड़ा की बुक लें, उसको थोरो पूरी कर दें, बात खत्म, मतलब सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारी कंप्लीट। आप मानोगे ये बात, अगर आप ये भी कर देते हैं ना तो भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका मेंस या नीट क्रैक हो जाएगा, तो भी बहुत पॉसिबिलिटी है। और अगर आप डीसी पांडे भी करते हो साथ में, या सिर्फ डीसी पांडे करते हो, तो भी एटलीस्ट अगर आप 80% कर जाते हो, क्योंकि उसमें लेवल टू के काफ़ी अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, 80% भी करते हो तो भी आपका बहुत चांस है कि हो जाएगा। बट अगर करोगे तो टाइम एक, अब ये क्या है बेसिकली ना, टाइम टाइम और परफॉर्मेंस की गेम है, ये आईक्यू की गेम नहीं है कि आप कितना कितने होशियार हो नहीं हो, उसे क्या टाइम मैनेजमेंट जिसको आती है वो खेल जाएगा। तो सबको पता तो है ई का फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन सा कोई कोई रॉकेट साइंस है कि ये सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, चार्ज ने कितना ई लगाया और इस माइनस ने क्या लगाया, प्लस ने क्या लगाया, चल क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं है। बात तो यह है कि आप उसको कैसे रिटेन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। तो आप प्लीज़ अगर ये सोच रहे हैं अभी तो शुरू हुआ है कोर्स, तो मैं बता रहा हूँ बी चैप्टर भी ऑलमोस्ट गया, आप सी आ रहा है, और मैंने आपको बता दिया था सी चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आप अब वेक्टर के साथ खेलेंगे और वो क्यों वही सेम फॉर्मूले, अब सी चैप्टर से पूरी फिजिक्स अलग ट्रैक पे चलेगी और सब कुछ नया होगा, कुछ भी पुराना नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको करना चाहिए, बुक्स नहीं ली, ट्राई करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप कुछ ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो बैठे बैठे कभी भी किसी को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन करके ही कॉन्फिडेंस आएगा, बिना किए कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले ट्राई कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? ओके। देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या करना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक काम करते हैं, ये डायपोल लेते हैं, ओके, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट कहां पर है, माइनस से प्लस, राइट। इसके लिए ये पी पॉइंट कौन सी लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में जिस तरफ पी है इसकी वजह से नेट ई कहां पे होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि पी और ई में इक्वेटोरियल में एंगल क्या बनता है, 180। एक्सियल में पी और ई में एंगल क्या बनता है, जीरो। एक्सियल में पी और ई सेम डायरेक्शन में है, इक्वेटोरियल में ऑपोजिट में किया हमने, तो इक्वेटोरियल की वजह से ये वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀P/x³। एक वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, जो नेक्स्ट आपका डायपोल है ये रहा, तो इसकी डायरेक्शन पी की कहां पर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉइंट है। इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाया करता है, इसकी एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे जिस डायरेक्शन में पी है उस डायरेक्शन में क्या होगा, ई होगा। तो ई टू की वैल्यू कहां होगी, राइट होगी, कितनी, 1/4πε₀P/x³। कोई डाउट इसमें? तो इस डायपोल की वजह से ये पॉइंट इक्वेटोरियल है, इस डायपोल के लिए पॉइंट एक्सियल है, एक्सियल में पी और ई आर इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये डायपोल में, ये देखो ये डायपोल में पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड यही पॉइंट इस डायपोल की कौन सी लाइन पे है, इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल में अगर पी इस तरफ है तो इसका ई इस तरफ है, 1/4πε₀P/x³। क्लियर है? तो तीन डायपोल है, ये पॉइंट पी किसी के लिए इक्वेटोरियल, किसी के लिए इक्वेटोरियल, किसी के लिए एक्सियल, तब दो वेक्टर सेम तरफ हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, और ये इसके ऑपोजिट है, तो नेट ई की वैल्यू में, इस वैल्यू में से इसे क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस, क्योंकि ई टू ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, नेट जीरो।
तो नेट आंसर तीनों डायपोल की वजह से ई का क्या आएगा, जीरो। क्या ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, सेम है। एनी पॉइंट वाला वो, एनी पॉइंट कर लो, चलो कर लो, इसे भी कर लो, ये लो इसका आंसर। नहीं, एनी पॉइंट नहीं है, ये एक्स के लिए इक्वेटोरियल ही है। करें स्टार्ट। देखो इसके अंदर शॉर्ट डायपोल है, ओके शॉर्ट डायपोल है, पी के कैप, पी के कैप, पी बाय टू के कैप आर लोकेटेड एट 0,0। कहाँ है? ये रहा एक डायपोल, ये रहा, ये रहा एक डायपोल, ये पड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है डायपोल मोमेंट की? पी। और
इसकी वैल्यू पी के कैप, के कैप कहाँ पे होता है, के कैप तो बाहर नहीं होता, के कैप तो ये ऐसे बनेगा नहीं, ये तो बाहर की तरफ बनना चाहिए। ओके चलो ठीक है बाहर बना लेते हैं, यार इसी को के कैप ले लो, छोड़ो यार बाहर क्या बनाने हैं, यही के कैप कर देते हैं। जरूरी है कि अब जेड एक्सिस बाहर की तरफ बोर्ड लेके आऊंगा, ऐसे कर देते हैं, तो के कैप है। तो ये आपके पास एक वेक्टर है पी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है पी के कैप, क्लियर है यहां तक। एंड एक डायपोल कहां पर है, 1,0,2, ये रहा 1,0,2, जिसकी वैल्यू कितनी है पी बाय 2 के कैप। तो डायपोल मोमेंट एक का पी है, एक का पी बाय 2 है, पी एंड पी नहीं है। आगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डायपोल्स एट पॉइंट, तो आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, नेट ई निकालना है। रूल नंबर वन, नेट ई निकालने के लिए इस डायपोल के लिए ये पॉइंट क्या एक्ट करता है, लाइक इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में इसकी वजह से जो ई बनेगा वो कहां बनेगा, लेफ्ट, क्योंकि इक्वेटोरियल में पी एंड ई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और वैल्यू क्या बनेगी, 1/4πε0 पी डिवाइडेड बाय ये 1,0,0 और ये कितने 1,0,2, ये कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स ले एक्स होगा, एक्स होगा, तो ये वैल्यू कितनी हुई 1, फिर हाइट क्या होगी 1 हो गई, तो अगर 1 हो गई तो पी डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब, राइट, ठीक हो गया, क्लियर। हालांकि रूल नहीं है वैसे, वो एक्स होगा, वो हो तो वाई भी सकता है, मर्जी है, तो यानी कि 2 आंसर आ सकते हैं इसमें, नहीं अच्छा 1,0,0, हाँ नहीं सही कह रहे हो, 1,0,0 में कैसे होगा, सही कह रहे हो भाई, देखा नहीं मैंने, ठीक हो गया, तो 1,0,0 में मतलब एक्स ही होगा, बात ही खत्म, सही हो गया, ठीक हो गया। अब इस डायपोल के लिए ये पॉइंट क्या एक्ट करता है, एक्सियल, एक्सियल में पी बाई 2 और ई भी इस तरफ, ई क्या होगा 1/4πε0 2 इंटू पी बाई 2, ये दूरी कितनी है, इसके सेंटर से दूरी कितनी है, ये के कैप है ना, 2 के कैप देखने ना 2, तो डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो दो वेक्टर आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट ई की जो वैल्यू होगी वो बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस, देख लेना कौन बड़ा कौन छोटा, मैं मॉड लगा रहा हूं, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू टू बी टेकन, बड़े में से छोटा माइनस करना। बोलो देखो फिर से एक बार, ये पॉइंट है, मैंने इसको क्या मान लिया, के कैप मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, ये हाइट कितनी है इसमें 1, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक जेड एक्सिस में 2, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है इस तरफ पी बाय 2, ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल है, एक्सियल में ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/4πε0 2 इंटू पी बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, डन। फिर अब जो दूसरा डायपोल है, ये डायपोल दूसरा डायपोल है, इसकी वैल्यू पी है, ये पॉइंट इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल में पी एंड ई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 1/4πε0 पी डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब, अब बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस, क्योंकि टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ये एक्स एक्सिस है ना, जेड एक्सिस है ना, जेड, तो ये जेड कोऑर्डिनेट देखेंगे इसका, ये इसके सेंटर से देखेंगे ना, ये डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस देने है, और कोऑर्डिनेट भी सेंटर का गिवन है ना, तो सेंटर बाय सेंटर का डिस्टेंस 2 है ना, ठीक है, कौन सी शीट थी, 10 ये,
अभी नहीं, ऑब्जेक्टिव करने हैं, होमवर्क। चलो ठीक, इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 जो होमवर्क दिया था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, 1 में डाउट नहीं है, है तो पूछ लेना, हाथ खड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है 1? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करें, चाहे एक के एक का भी है तो ये ना सोचे कि मैं खड़ा क्यों करूँ, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। 2 क्लियर है, ओके नेक्स्ट। ये आज किया भी शायद हमने ऐसा क्वेश्चन कुछ, सेम। 3 में डाउट, 3 में ओके। चार्ज क्यू इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया, ई वेक्टर हमें दिया, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? देखो वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या गिवन है, चार्ज गिवन है और ई गिवन है, तो फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई, तो Q into E force है, dot R vector। अब E vector आपको question में given है और R vector भी question में given है, तो E vector भी given है, R vector भी given है। अब ये dot product है, तो vector में dot product सबको आता है, I को I के साथ, I dot I is 1, J dot J is 1, तो इस term को इससे multiply करेंगे, I dot I क्या है 1, तो क्या आएगा E1 है, इसको इससे multiply करेंगे तो E to B, answer। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि वर्क डन की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलेगी, इसमें स्केलर में आ जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सियल और इक्वेटोरियल में, एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π ε2π/r³, इक्वेटोरियल में π/r³, तो कितने का फर्क है, 2:1, तो 2:1। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th के ना कई आपको टाइप्स मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर, तो मैंने तो क्वेश्चन एक ही दिया, पर मैंने इसके 3 टाइप्स बताने हैं आपको, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, आपको समझ में आएगा करना क्या है। जैसे सपोज करो पहला केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, नीचे है, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक पेंडुलम है जिसके बॉब के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये दो दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, एक इसका खुद का वेट mg और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स qe, तो नेट फोर्स कितनी हुई, qe प्लस mg, क्लियर है। तो जब ये पेंडुलम मूव करेगा तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम होता क्या है, 2π√L/g। तो आप इसमें ये करेंगे कि जो नेट वेट होगा इसका, वो इसका अपेरेंट वेट जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, mg प्लस qe, इसका जो नया वेट होगा वो क्या होगा, mg प्लस qe। तो मास तो चेंज होता नहीं, वेट में क्या चीज चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इन दोनों के नीचे आ गया, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम है वो क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2π√L/g, इस केस में जी डैश, तो ये पूरी जी डैश को उठा के यहां पुट कर दो आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, पहला केस ठीक है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? देखो आपको इसमें क्या करना है, एक पेंडुलम जो होता है ना, वो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, सही है? Yes, sir. वो जी तब होता है जब ये फोर्स नहीं लगती। अब इसमें mg के साथ साथ क्या फोर्स लग रही है, qe, ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. तो बॉब का नया वेट क्या आएगा, m into g dash, क्योंकि m तो कभी चेंज होता नहीं, तो क्या चीज चेंज हुई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m इन दोनों के नीचे आ गया, तो m जब डिवाइड करोगे m के साथ, तो ये कट जाएगा और ये क्या बनेगा, qe by m, क्या ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पुट कर दिया, पहला केस क्लियर? Yes, sir. अब दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऐसा मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर कर देगा, नीचे की बजाय ऊपर कर देगा, तो अब ऊपर करेगा तो वेट क्या है, mg,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ है? ऊपर, अब नीचे की बजाय, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर? ऊपर। अब नेट वेट क्या हो जाएगा? नेट वेट की जो वैल्यू है इसमें हो जाएगी एम जी माइनस क्यू ई, नया वेट आ गया एम जी डैश। अब फिर से m से डिवाइड करके अब g माइनस क्यू ई बाई एम, तो m से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म g डैश आ गया, तो नया टाइम पीरियड में g डैश को पुट कर दिया। ये स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर। तीन केस, थर्ड केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा हॉरिजॉन्टल इस तरफ, ठीक है, ये देगा, और वेट तो ऑब्वियसली नीचे नीचे ही है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये दो फील्ड कुछ इस तरीके से देगा। देखो आपको ऐसे देगा, आपको फील्ड कैसे देगा इस तरफ, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये बॉब है, तो बॉब का वेट कितना है एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है क्यू ई, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो ही आएगा ये, तो नेट रिजल्टेंट नया वेट देगा जो कि रिजल्टेंट ऑफ क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड क्यू ई। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? नया वेट वेक्टर सम, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पर है 90, तो एम जी का स्क्वायर और क्यू ई का स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है? अब इसके अंदर ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। यस सर। ठीक, तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं कि एम जी या फिर जी डैश, ठीक है, जी डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मास एम, या जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर। जब एम अंडर रूट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम का स्क्वेयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? राइट, तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अंडर रूट के अंदर एम स्क्वेयर हो जाएगा, राइट? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऑब्वियसली एम स्क्वेयर से एम स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी? जी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर। क्या स्टेप क्लियर है? तो ये नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, तो बस ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आ गई तो यही आ गया जी डैश, शॉर्टकट लगाया हुआ है तो आंसर, क्योंकि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ये पूरा का पूरा जी डैश इसमें डाल दो आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? कोई भी केस आएगा सब समझ में आ रहा है? तो आपको नेट वेट निकालना है एम जी डैश के साथ, ठीक? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। याद रखना अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस दी प्रोटॉन का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है 2e। क्वेश्चन नंबर 10 11 बहुत आता है पेपर में। इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट एक्सपीरियंस क्या? देखो टॉर्क तो लगेगा ही, तो इसके ऊपर एक फोर्स याद करो डेरिवेशन में क्यू ई इस तरफ थी और क्यू ई इस तरफ थी, तो नेट फोर्स कितनी है? क्यू ई एंड क्यू ई फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? जीरो, और नेट टॉर्क जीरो नहीं आएगा क्योंकि कपल की तरह काम करेगा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट विल जनरेट टॉर्क, टॉर्क होगा नेट फोर्स जीरो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, तो ये भी नहीं कहा कि वो ऐसे पड़ा हुआ इक्विलिब्रियम में। देखो एक केस तो बन ही सकता है, नेट फोर्स तो सदा ही जीरो है,
कैसे भी पढ़ाओ, टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो तो टॉर्क के साथ मार्क कर देंगे, करेंगे वैसे तो हर तरीके से आंसर देना होता है ना, तो नेट टॉर्क इसमें नॉन जीरो होगा, नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगी। बस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शीट कौन सी है? ओके, क्वेश्चन नंबर वन तो काफी लोगों को डाउट है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या गिवन है कि एक स्क्वायर लूप है, साइड कितना है, एल है, ठीक है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है जो एक्स के साथ वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और ए इसमें कॉन्स्टेंट है, आपको नेट फोर्स बतानी है इस पूरे लूप पे क्या होगी। नहीं समझ में आया होगा, आसान, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है लूप पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है लूप, तो क्या ये मानते हो इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यू इन टू ई, तो आपको फोर्स बतानी है क्या लगेगी। लेकिन इसको करने के लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले एक पॉइंट को समझते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसमें चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेंथ वाइज, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी भी बॉडी के ऊपर सरफेस सरफेस एरिया वाइज, सरफेस एरिया के ऊपर, या फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके अंदर, अंदर का मतलब वॉल्यूम वाइज, ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास भी करते थे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते थे कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर लेंथ वाइज, डिस्क के ऊपर एरिया वाइज, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम वाइज। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन तरीके से होती है, या तो किसी बॉडी के सिर्फ लेंथ के ऊपर चार्ज है और वो बड़ी पतली लेंथ है, थिन लेंथ है, या एरिया वाइज है, उसकी थिकनेस जीरो है, सिर्फ एरिया ही है, शीट है जैसे, या फिर वॉल्यूम वाइज है। तो अब इस केस में अगर लेंथ वाइज है तो मान लो क्यू चार्ज है इसके ऊपर और कितनी लेंथ के ऊपर, एल लेंथ के ऊपर, इस सरफेस एरिया में क्यू चार्ज है कितने सरफेस एरिया के ऊपर, ए सरफेस एरिया के ऊपर, और इसमें क्यू चार्ज है कितने सरफेस एरिया के ऊपर, नहीं वॉल्यूम के ऊपर, वी वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो अगर चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं लैम्डा, तो चार्ज अपॉन लेंथ को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एरिया वाइज है तो चार्ज कितने पर यूनिट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा का मतलब सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ऐसे ही अगर वॉल्यूम वाइज है तो उसको रो बोलते हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको या तो लेंथ वाइज लैम्डा गिवन होगा या सीधा सिग्मा देगा या रो देगा, आप खुद समझेंगे कि अगर लैम्डा गिवन है तो चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एरिया वाइज है तो सिग्मा के साथ क्वेश्चन है, और अगर वॉल्यूम है तो रो के साथ क्वेश्चन है। क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम आएगा ये ऐसे काम आएगा, मान लो आपके पास एक रॉड है, थिन रॉड है, इसमें आपको लैम्डा उसने दे दिया कितना, 10 कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज अपॉन लेंथ है, तो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया कि बताओ ये 2 मीटर लेंथ है, इस 2 मीटर लेंथ के ऊपर चार्ज क्या होगा ये आपको बताना है, कितना होगा पर मीटर का मतलब 1 मीटर,
एक मीटर के ऊपर चार्ज कितना है 10 कूलम, तो 2 मीटर के ऊपर कितना है 20 कूलम, ऐसे होगा ना। तो ऐसा हम करते नहीं है, हम नॉर्मली ये करते हैं कि अगर आप लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, उस लेंथ से जिसकी चार्ज आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आएगा। जैसे लैम्डा इस क्वेश्चन में 10 है, कितनी लेंथ पे चार्ज निकालना है 2, तो मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर क्या आएगा 20। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर दूं, इसमें मैंने लैम्डा को कॉन्स्टेंट माना है, मैं अपना क्वेश्चन चेंज करता हूं और मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास फिर से एक बार रॉड है, यहां पर ना मात्र चार्ज है, फिर चार्ज और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, बहुत चार्ज है। तो आप देख रहे हैं यहां पर चार्ज कम है, यहां पर चार्ज ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी ऑफ चार्ज कॉन्स्टेंट है, ना, डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, डेंसिटी वेरी हो रही है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ठीक है, अब इस केस में मान लो आपके पास एक रॉड है जिसमें नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है कुछ ऐसे कम ज्यादा, सच दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2x। अब लैम्डा 2x का मतलब लैम्डा कॉन्स्टेंट नहीं है, लैम्डा x वैल्यू के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जैसे ही ओरिजिन है 0,0 और ये x एक्सिस है, तो x की वैल्यू यहां आते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक, x की वैल्यू यहां आते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज। x इंक्रीज है तो लैम्डा भी यहां आते हुए क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लैम्डा इसमें चेंज हो रहा है, क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, चार्ज निकाल लो इसके ऊपर, और लेंथ ऑफ द रॉड एल मान लो 10 मीटर गिवन है, चार्ज निकालना है इसमें। अब अगर आप ये कहो कि मैं लैम्डा को तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आंसर आएगा, कैसे आएगा, ये लो आंसर आ गया 20x, ये आंसर थोड़ी ना चार्ज का। तो अब प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा इसमें वेरी कर रहा है, जब चीजें वेरी करती हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशंस। पहले हम छोटे छोटे एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, फिर मिला के उसको बड़ा करते हैं। तो इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है, कि ये आपके पास रॉड है और आपको लैम्डा इस क्वेश्चन में कितना गिवन है 2x, तो हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है और लेंथ रॉड की 10 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट ले लिया, कितनी दूरी पे x, तो x डिस्टेंस पे लैम्डा कितना है 2x, तो x के साथ लैम्डा चेंज हो रहा है, तो जितना भी x होगा उसके हिसाब से लैम्डा आ जाएगा यहां पे। ठीक, और इसकी स्मॉल लेंथ कितनी है dx, इस पोर्शन पे स्मॉल चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें जिसके ऊपर चार्ज निकालना है, तो dq इज वेरी वेरी स्मॉल ना, तो लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई करके dq कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर जो स्मॉल चार्ज होगा, लैम्डा कितना है 2x dx, ये आ गया। और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो मैं दोनों साइड्स की क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। कहां से कहां, पहला एलिमेंट में ये लूंगा जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज आएगा, फिर नेक्स्ट ये लूंगा, करते 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 यहां पे आ जाऊंगा। तो यहां पर x की लिमिट क्या है 0, और यहां पर x की लिमिट क्या है 10, तो लिमिट क्या लगेगी 0 से, तो इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज आ जाएगा। तो एक बात तो पक्की है, जिन क्वेश्चन में लैम्डा कॉन्स्टेंट है और टोटल चार्ज निकालना है, उनमें इंटीग्रेशन नहीं लगेगी। जिनमें लैम्डा चेंज हो रहा है और चार्ज निकालना है, उनमें इंटीग्रेशन लगेगी। कोई डाउट इसमें? तो जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो इंटीग्रेशन। ठीक है यहां तक? अच्छा, सेम अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज मेरे पास एक चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ई की वैल्यू इज अ कॉन्स्टेंट, ई कॉन्स्टेंट है, ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यू इंटू ई। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ई की वैल्यू इज चेंजिंग, कॉन्स्टेंट को नहीं है, फिर अगर मैं कहूं फोर्स निकालो, तो क्यू इंटू ई आपको सही आंसर देगा ही नहीं कभी भी। तो आपको इसमें भी क्या करनी पड़ेगी, वो कैसे करनी पड़ेगी बताऊंगा।
पर ये समझ में आ रहा है जब जैसे फोर्स कांस्टेंट है तो नो इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है फोर्स कैलकुलेशन में नो इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है तो फोर्स की कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन पढ़े, इसके ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो एक्स के साथ अपनी वैल्यू, एक्स क्या हो रहा है इंक्रीज, तो ई की वैल्यू भी क्या है इंक्रीज, तो ई इज नॉट अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ चेंज होता है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, तो राइट में ई की डायरेक्शन भी क्या होगी इंक्रीज, तो ई इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर ई क्या होगा, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ओरिजिन से एक्स की वैल्यू यहां पर है कितनी, एल है, तो आप एक्स के फॉर्मूले में एल पुट कर देंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर ई की। क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि मुझे तो ई यहां निकालना है कहीं पर भी, तो अब ओरिजिन से ये दूरी कितनी है एक्स की 2L, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा और क्या निकाल दूंगा, तो ये समझ में आ रहा है कि ई कैसे निकलेगा। पहले तो ई को क्यों करेंगे, पॉइंट पे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं यहां पर ई कितना है तो आप मुझे एक्स की वैल्यू पुट कर बता दो, मैं पूछ रहा हूं यहां पर ई कितना है आप मुझे एक्स बता दो, आ जाएगा ई, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कहां करेंगे बताता हूं अभी, e की वैल्यू में तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो x की वैल्यू पुट करते जाओ e आता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है पॉइंट, e इंस्टेंटेनियस है ना, हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है, तो x पुट करते जाओ e आता जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, मुझे गिवन है या मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों वायर्स के ऊपर चार्ज है, कैसे पता लगा, उसने डेंसिटी क्या गिवन है लैम्डा, लैम्डा का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ, और लैम्डा कांस्टेंट है, उसने लैम्डा की वैल्यू को एक्स की फॉर्म में दी नहीं, लैम्डा कांस्टेंट है, तो फोर्स निकालना है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके ऊपर फोर्स निकालो पहले, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, इसके ऊपर बोलो चार्ज क्या होगा ए बी के ऊपर, ए बी की लेंथ कितनी है, लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई करते तो ए बी का क्या आ गया चार्ज आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, लैम्डा पता है मुझे, एल मुझे पता है, चार्ज आ गया। और अगर यहां पे मैं ई भी बता दूं क्या है, ई की वैल्यू कैसी आएगी एक्स की जगह एल, तो ई की वैल्यू को इस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वायर पे क्या आ जाएगी फोर्स, कोई इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि लैम्डा इसमें कॉन्स्टेंट है, ई इसमें फिक्स है, मल्टीप्लाई करो आंसर। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है क्या करना है? ये देखो, तो सबसे पहले ये देखो ए बी पोर्शन पे मैंने ई निकाल लिया एल पुट करके, फिर फोर्स निकालने के लिए जो भी ए बी के ऊपर चार्ज है उसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज कैसे निकलेगा लैम्डा इनटू एल, ई हमारे पास है आंसर, एक वायर पे फोर्स आ गई। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ठीक, एक सेकेंड, देखो तो इसमें किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक फोर्स आ गई। अब नेक्स्ट सिमिलरली ये काम करते हैं, हम सीडी पे चलते हैं, सीडी, ये देखो अगर आप सीडी की बात करते हो तो सीडी की लेंथ कितनी है एल, तो सीडी पे चार्ज कितना है लैम्डा इन टू एल, सीडी पे ई की वैल्यू क्या होगी एक्स की जगह क्या पुट कर दें टू एल, तो ई पता है
चार्ज पता है, चार्ज इंटू ई इज फोर्स। तो ये स्टेप सबको क्लियर है। तो ये देखो सी डी पे एक्स की जगह 2L तो ई आ गया, चार्ज लैम्डा एल से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ गई। दो स्टेप्स क्लियर हैं, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं बीसी की। अब बीसी में ना प्रॉब्लम है, बीसी की ये समस्या है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ई निकाल लो तो यहाँ पर एक्स कुछ और है, यहाँ पे ई निकाल लो एक्स कुछ और है, यहाँ पे ई निकाल लो एक्स कुछ और है। तो ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। लेकिन अगर मैं चार्ज पूछूं इसके ऊपर चार्ज कितना है बी सी के ऊपर, इसकी लेंथ क्या है? एल। लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? चार्ज। पर प्रॉब्लम यह है कि चार्ज इंटू क्या मल्टीप्लाई करूं, ई तो कांस्टेंट है ही नहीं और मुझे इसमें फोर्स निकालनी है। तो मैंने एक काम किया, चलो ए डी ले लो, एक ही बात है, ए डी बी सी एक ही बात है। ए डी की भी सेम प्रॉब्लम है कि ई की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो मैंने डायग्राम यहाँ बना लिया ए डी का, ये रहा ठीक। तो मैंने इसमें क्या किया, मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ ई चेंज हो रहा है, और ई कैसे चेंज हो रहा है? ऐसे चेंज हो रहा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो ई भी डिफरेंट है। तो ऐसे केस में एक एलिमेंट ले लिया डीएक्स, इस डीएक्स पे स्मॉल चार्ज क्या होगा? लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, डीएक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल चार्ज आ गया, तो ये चार्ज आ गया। तो आप इस चार्ज को यहाँ पे जो भी ई होगा उसे मल्टीप्लाई करें तो इस एलिमेंट पे क्या आ जाएगी? स्मॉल फोर्स। सारे पे नहीं आएगी, बस इस एलिमेंट पे स्मॉल फोर्स आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब क्योंकि ई इसमें कांस्टेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएक्स, और ये एलिमेंट कितनी दूरी पे लेंगे? एक्स दूरी पे, क्योंकि एक्स दूरी पे आपको ई पता है। तो आप इसमें स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल चार्ज निकालेंगे, स्मॉल चार्ज को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल क्या आएगी? फोर्स आएगी। ये स्टेप सबको क्लियर है, स्मॉल फोर्स आ गई। चार्ज क्या है? लैम्डा इनटू डीएक्स, ई की वैल्यू मुझे पता है। टोटल फोर्स निकालने के लिए मैं एलिमेंट को कहाँ से कहाँ लूँगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ लगाऊंगा? मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एक्स इज इक्वल टू एल, और यहाँ पे कितनी है? x इज इक्वल टू 2l। तो लिमिट जो लगेगी वो इसमें लगेगी l से 2l। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और l बाहर आ गया 1 dx की x, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। यही फोर्स नीचे की, यही फोर्स BC पे आएगी, यही AD पे आएगी। चारों फोर्सेस x एक्सिस के अलोंग है, चारों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो नेट आंसर आएगा। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता पेपर में, पर आपको टेक्निक समझ में आएगी कब इंटीग्रेशन लगेगी और कब नहीं लगेगी। शायद इतना कभी देखा नहीं मैंने क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्योंकि कब, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत क्लियर बता रहा है कि कहाँ इंटीग्रेशन लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। ठीक है यहाँ तक? तो ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, टू में डाउट, इंसुलेशन प्रॉपर्टी एयर ब्रेकडाउन। देखो ये ना हम करेंगे ब्रेकडाउन्स, ब्रेकडाउन में ये सिखाया जाता है कि अभी आप ये समझ लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर का ब्रेकडाउन या ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू उसकी ब्रेकडाउन की होती है 1/4πε³/r². तो आप ई की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। पर ये होता क्या ब्रेकडाउन, अभी टाइम है इसको समझने में, क्वेश्चन जल्दी आ गया पर कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में टू पॉइंट चार्जेस -q and +q/2 आर सिचुएटेड एट ओरिजन। तो एक -q एक q/2, तो ये आपके सामने एक 0,0 और a,0,0। तो आपको पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब ई की वैल्यू जीरो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले मन ये करता है कि कोई पॉइंट इसके बीच में मिल जाए। अब बीच में अगर ढूंढना है तो ये +1 रखेंगे, माइनस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये नेट आंसर जीरो देंगे ही नहीं।
इसका मतलब पॉइंट इन दोनों चार्ज के बीच में लाए नहीं करता, कोई डाउट इसमें? तो कहाँ लाए करता है? इसके अंदर, इस क्वेश्चन में थोड़ा बाहर लाए करता है। कहाँ पे लाए करता है? जैसे यहाँ पे लाए करता है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? ए। ए कहाँ लाए करता है? यहाँ करता है। कैसे पता लगा? यहाँ प्लस वन रखो, देखो ये प्लस इसे क्या करेगा? रिपेल। ये माइनस इसे क्या करेगा? तो ये कैंसिल हो सकता है और नेट आंसर जीरो आ सकता। अब ये आपको सोचना है कि बीच में होगा कि बाहर होगा, वेक्टर लगा लगा के देखने पड़ेंगे, कैंसिल होगा वहीं पे ई जीरो होगा। तो इसके अंदर ये जो प्लस क्यू बाई टू है, ये इसे रिपेल करेगा, ई की वैल्यू क्या लगाएगा? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है? एक्स, जो मुझे निकालना है। ये ए गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस है, तो क्या आएगा? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये माइनस क्यू इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो दो ई की वैल्यूज आ गई, दोनों को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है कि जो जो पॉइंट है वो बीच में नहीं लाई करता, वो कहीं बाहर लाई करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर्थ में टू पॉइंट चार्जेस फोर क्यू एंड क्यू गिवन है, ठीक है, एंड एल डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच में दूरी कितनी है? एल है। अ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज सो प्लेस दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब एक चार्ज कैपिटल क्यू इनके बीच में रख दिया ताकि सभी इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है कि एक्स क्या होगा। इसके ना मल्टीपल आंसर हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कैपिटल क्यू को इनके बीच में रखते हो, रख दिया, और आपको इसमें क्या निकालना है? नेट ई जीरो करना है, या इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर जीरो करनी है या फोर जीरो करनी है। तो ये मान लो एक्स है, एल माइनस एक्स है, तो ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। और वो चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आपके पास एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो एक आंसर तो आ गया। अब वो कहता है इक्विलिब्रियम इसका तो हो गया, इसका भी बना दो। इसका इक्विलिब्रियम का मतलब ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। जब दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्यू क्या आएगा? नहीं। तो इसके दो आंसर्स निकल रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम से नहीं, दूसरे का भी इक्विलिब्रियम। मल्टीपल चॉइस ना, दो ऑप्शंस हैं, तो दो आंसर्स आएंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एक बारी से आधा आंसर आएगा, दूसरी बारी में और आधा आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फाइव वो कह रहे हैं तीन चार्जेस हैं, क्यों क्यों क्यों, इन चारों वेक्टर में से नेट फोर्स या नेट ई कहाँ होगा? इस पॉइंट पर ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। प्लस वन रख लो, ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। कैंसिल, ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। तो नेट आंसर कहाँ आएगा? टूवर्ड्स टू, आंसर इज टू। नेट वेक्टर तो टू की तरफ आ गया ना, ये तो ऑप्शन है वन टू थ्री फोर, ये वेक्टर थोड़ी ना है। तो नेट आंसर कहाँ आ रहा है? टूवर्ड्स टू, टू आंसर है। कह रहे हैं चारों में से क्या आंसर नेट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन है। ये यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है, कितने को डाउट है? बहुत लंबा है यार, किया आप लोगों ने, बहुत बार करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे हैं चारों केस में ये बताओ ई का ऑर्डर क्या होगा, किसमें ज़्यादा किसमें कम। अब जहाँ पर ई निकालना है वहाँ पर चार्ज प्लस वन, टू क्यू प्लस वन को रिपेल करेगा, माइनस थ्री क्यू इसे अट्रैक्ट करेगा, प्लस फाइव क्यू इसे, इन सबका वेक्टर सम निकालना एक आंसर। फिर इधर प्लस वन, टू क्यू इसे रिपेल करेगा, माइनस क्यू इसे अट्रैक्ट करेगा, माइनस थ्री क्यू इसे अट्रैक्ट, नेट आंसर निकाल लेना सेकेंड आंसर। फिर प्लस वन, माइनस इसे अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसे रिपेल करेगा, यही है, ऐड कर दो नेट आंसर। फिर प्लस वन, थ्री क्यू इसे रिपेल करेगा, माइनस इसे अट्रैक्ट करेगा, ऐड करो नेट आंसर। फिर चार आंसर निकाल के देखो कौन बड़ा कौन छोटा,
अब ये तो लंबा, चार क्वेश्चन करने के बराबर है एक क्वेश्चन, करते रहना बैठ के नेट आंसर, पर पॉइंट समझ में आ गया। कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, करना ही पड़ेगा इसे, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ में क्या गिवन है? ये 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं, नेट ई बताना है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे ना 6E चाहिए, ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 6E चाहिए, तो इस कॉर्नर पे क्या चार्ज रखें ये बताना है मुझे। ठीक है, तो मान लेते हैं चार्ज है नहीं, तो ये अगर यहाँ प्लस वन रखेंगे तो ये क्यू और ये क्यू का ई आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्यू और ये क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या? सिर्फ ये तो गए, बचा सिर्फ ये क्यू इसे क्या करेगा? रिपेल ई के साथ ई। तो यहां पर मैं चार्ज -5 क्यू रखूंगा, क्यों? क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और ई कितना लगाएगा? 5 टाइम्स, तो 5 ई और ई मिलके क्या देंगे? 6 ई। तो यहां पर चार्ज -5 क्यू होना चाहिए, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ताकि -5 क्यू इसे अट्रैक्ट करे। देखो इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर क्या गिवन है कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका कैंसिल कैंसिल, ये आर डिस्टेंस पे ई क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगाएगा। तो बताओ मैं यहां पे कितना चार्ज रखूं ताकि नेट आंसर 6 ई हो जाए? तो ऑब्वियसली जब यहां चार्ज ये पड़ा होगा तभी 6 ई होगा ना, ये ऐड होके तभी 5 क्यू और 6 क्यू बनेगा, 6 टाइम्स होएगा, और वो तभी होगा जब चार्ज -5 क्यू, ताकि ये +1 को क्या करे? अट्रैक्ट। तो ऐसे सोचना है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? डाउट है? ठीक है, ठीक है। 8th, 8th में डाउट, 8th में देखो एक बहुत क्लियर बात है, अगर मैं +1 सेंटर में रखूंगा तो ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, डन, ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, डन, ये और ई कैंसिल, डन, जीरो। जब मैं यहाँ +1 रखूंगा तो 2Q+1 को रिपेल, इधर से 2Q+1 को रिपेल, कैंसिल, 2Q 2Q कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, कैंसिल। जब मैं इधर रखूंगा तो Q+1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ओ सॉरी, क्यू जो है +1 को क्या करेगा? रिपेल। 2Q क्या करेगा? रिपेल। कौन सा ई बड़ा होगा, 2Q का कि क्यू का? 2Q का। कहाँ? इस तरफ आएगा, कितना ई आ जाएगा। ठीक है, एडजस्ट, इसका वेक्टर कैंसिल करके ई आ गया। फिर इधर देखो, 2Q इस +1 को क्या करेगा? रिपेल। Q+1 को क्या करेगा? रिपेल। किसका वेक्टर बड़ा होगा? 2Q का। किस तरफ आएगा? इस तरफ। फिर ऐसे इनका मुकाबला होगा तो 2Q का बड़ा होगा, ये आंसर आ गया। अब आप एक चीज देखो कि अगर तीन वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे हैं तो करके देख लेना, नेट आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। हमने किया भी था फोर्स में, तो इसका भी नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन ये जो +1 यहां रखेंगे, Q+1 को क्या कर रहा है? रिपेल। -Q क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। ये क्यू और यू, ये क्यू आपस में कैंसिल, ये Q+1 को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। -Q क्या कर रहा है? इसे उल्टा बन गया। ओके, ये क्यू इसे क्या करेगा? रिपेल। -Q क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये गलत बना हुआ है। -Q इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। +Q इसे क्या करेगा? रिपेल। ये और ये आपस में कैंसिल, तो इनका आंसर नॉन जीरो आ रहा है, पता लग गया। तो आपको तो यही बताना है नॉन जीरो किस में है, तो नॉन जीरो आ गया। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे चेक करने के करके +1 रख के? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक। अरे मैंने किया भी हुआ है, देखो 120 पे करके दिखाया है ई, तो इन दोनों का वेक्टर सम करके दिखाया है, नेट आंसर जीरो आएगा। ये देखो करके दिखाया मैंने इसमें। नेक्स्ट 9th, ठीक है, 9th डायरेक्शन बतानी है। 10th, ये इनफाइनाइट वाला जो जीपी बनी थी याद है, सेम क्वेश्चन जीपी है। ठीक है,
ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 जाते हुए